गलत कमेंट कर रहे हैं क्या, सही हुआ कि आपका आईडी चला गया। अगर भाई आप हमारी जगह, भाई या बहन, अगर आप हमारी जगह होते और आपका आईडी ऐसे चला गया होता इतनी मेहनत करने के बाद, तो आपको पता चलता कि कैसा लग रहा है। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब तो ठीक ही हो गए। तो आप हमारे चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ में बेल आइकन को भी दबा देना, क्योंकि हमारी नई वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो काफ़ी समय से आप सब लोग बोल रहे थे कि आपका यूट्यूब चैनल का नेम चेंज कर दो, तो हमने यूट्यूब चैनल का नेम चेंज कर दिया है, सेवक 0055 से सेवक रिद्धि ब्लॉग कर दिया है। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप सबको पता है कि हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया, और हमने बहुत ट्राई किया हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को रिकवर करने के लिए, और हमारा अकाउंट रिकवर नहीं हो रहा। और हमने काफ़ी हैकर से भी बात की कि आप हमारा आईडी रिकवर करवा दो, तो उन्होंने बोला कि आप कुछ पैसे देने पड़ेंगे। तो हमने बोला कि हाँ, इतने पैसे देंगे, लेकिन आप हमें आईडी रिकवर करके दो, बाद में पैसे दे देंगे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपको पहले पैसे देने पड़ेंगे, बाद में हम आपको आईडी रिकवर करके देंगे। अगर हमने उनको पैसे दे दिए और उन्होंने आईडी रिकवर करके नहीं दिया, तो हमारा तो पैसा भी जाएगा और आईडी तो पहले से हमारा हैक हो गया है, तो आईडी तो गया हुआ है, तो दोनों तरफ से हमारा नुकसान होगा। इसलिए हमने ना बोले कि हम आपको पहले पैसे नहीं देंगे, अगर आप हमको आईडी रिकवर करके दोगे तभी हम आपको पैसे देंगे। तो उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं होगा। तो हम अभी हमारी तरफ से जितना हो सके उतना कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा आईडी रिकवर नहीं हो रहा है। तो अभी तो फ्रेंड्स, आप सबको क्या लग रहा है, अब हमारा आईडी रिकवर होगा या नहीं होगा? हमको तो नहीं लगता है, क्योंकि हमने काफ़ी समय से ट्राई कर रहे हैं आईडी वापस करने का, पर होता ही नहीं है, क्योंकि उसने हर दो तीन बार जीमेल भी चेंज कर दिया और नंबर भी दो तीन बार चेंज कर दिया अंदर, और नेम भी इतने बार चेंज किया, चार बार तो नेम चेंज किया। आपको पता होगा, आगे वाली वीडियो देखी होगी अगर आपने, तो आपको पता चल गया होगा कि कितनी बार उसने नेम चेंज कर दिया है। तो उसने इतनी बार नेम चेंज करने के बाद हमारा कोई भी हमारी तरफ से हमारा ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये आईडी हमारा था, क्योंकि उसने ऐसा सब कुछ ऐसा कर दिया है। तो और आपको ऐसा भी लगा होगा कि हमारे ब्लॉग नहीं आ रहे, क्योंकि हमारे आईडी हैक होने के बाद हमें ब्लॉग शूट ही नहीं करेगा। हमने दो तीन दिन हो गए हमारे आईडी हैक होने के बाद, और हमारा लास्ट ब्लॉग वही आया था कि हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया, रिकवर हेल्प कर दो आप हो सके, तो वही ब्लॉग आया था हमारा। और अभी तक हमें कोई मतलब कुछ लोगों ने हेल्प की, लेकिन कोई कुछ नहीं हो पाया हमारा आईडी का। तो फ्रेंड्स, अभी भी आप इतनी ज़्यादा वीडियो वो वायरल करो कि हमारा कोई बड़े टेक्निकल यूट्यूबर के पास पहुंच जाए हमारा ये वीडियो, और वो हमारी हेल्प कर दे और हमारा आईडी वापस आ जाए, तो बहुत हमारा मतलब सारी मेहनत भी हमारी वापस आ जाएगी। और जो लोग गलत कमेंट कर रहे हैं कि सही हुआ कि आपका आईडी चला गया, अगर भाई आप हमारी जगह, भाई या बहन, अगर आप हमारी जगह होते और आपका आईडी ऐसे चला गया होता इतनी मेहनत करने के बाद, तो आपको पता चलता कि कैसा लग रहा है आपको। अगर हमने बहुत मेहनत की थी, मतलब एक वीडियो 10 बार 5-6 बार, तो हम 5-6 बार वीडियो शूट करते कि अब वीडियो सही है, तभी जाके हम वो वीडियो इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट करते थे। और यूट्यूब पे भी ऐसा ही होता है, यूट्यूब पे तो बहुत ज़्यादा मतलब कैमरे के आगे बोलना बहुत मतलब दिक्कत होती है। अगर आप बोल रहे हैं कि मैं बहुत अटक अटक के बोल रहा हूँ, तो आपको ये अगर आप कैमरे के सामने बोलोगे तभी पता चलेगा कि ये कितनी बड़ी मतलब कितनी दिक्कत होती है ये सब बोलने में। अगर आपको ये सब बोलना हो, क्या बोल रहा है वो भी आपको मतलब समझ में ही नहीं आएगा कि क्या बोल रहा है ये कैमरे के सामने। बहुत आपको तो इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, हमने हमारे आगे वाले वीडियो में देखेगा हमें कैसे बोल रहा, उसमें तो उससे भी मतलब बहुत खराब तरीके से बोल रहा हूँ। और अभी धीरे धीरे हमारा बोलने का तरीका भी चेंज हो रहा है, तो आप ऐसे सपोर्ट करते रहे, धीरे धीरे सब कुछ चेंज होगा और हमारे बेटर ब्लॉग आने लगेगा और सबसे अच्छे ब्लॉग हो जाएंगे। धीरे धीरे हमारे ब्लॉग बहुत अच्छे हो जाएंगे और हमारे ब्लॉग में कोई भी गलतियाँ होगी नहीं और अच्छे ब्लॉग आ जाएंगे, क्योंकि पहले हमारे पास कुछ भी सामान भी नहीं था, तब भी हम सिर्फ फ़ोन से वीडियो ब्लॉग शूट करते हैं और सब एडिट भी फ़ोन से करते हैं। हमारा कुछ माइक वाइक कुछ नहीं था हमारे पास, इसीलिए हम सब कुछ फ़ोन से करते थे। और अभी हमारे पास ये ट्रिपॉड भी आ गया और माइक भी आ गया बोए का अच्छा वाला, तो अभी हम इसी से हम करेंगे और धीरे धीरे हम हो सके तो कैमरा और सब कुछ ले लेंगे और अच्छे ब्लॉग शूट करेंगे और आपको जितना हो सके उतना अच्छा दिखाने की कोशिश करेंगे। और हमारा कोई बाल विवाह हुआ नहीं है, तो आप सब मतलब गलत कमेंट मत करो कि बाल विवाह हुआ है, हमारा बाल विवाह नहीं हुआ, हमारी एज कंप्लीट हो गई, बाद में हमने मैरिज किया है। तो हमारा एज अगर आपको जानना है तो हमारा एज का वीडियो आ जाएगा 19 अक्टूबर को आएगा, हम 19 अक्टूबर के हमारा व्लॉग वाला भी मतलब हमारी एज बताएगी हमको आपको, क्योंकि 18 तारीख को मेरा बर्थडे है और हम 19 तारीख को आपको बताएंगे, 19 तारीख को तो हमारा मतलब पता है लगता है आएगा व्लॉग, हमारे बर्थडे वाला व्लॉग आएगा, तो 20 तारीख को ही आपको वो व्लॉग मिलेगा हमारा।
एज हमारी एज कितनी है। तो भाई और फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, क्योंकि हमारा आईडी हैक होने की वजह से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे यूट्यूब पे, क्योंकि बहुत मतलब पूरा दिन मेरे को फ़ोन पे में लगा रहता था कि आईडी कैसे भी करके रिकवर करने पड़ेगी, लेकिन बहुत हो गया, बहुत ट्राई कर लिया लेकिन आईडी वापस नहीं मिल रही, और किसी भी तरह का कोई रिस्पॉन्स भी वो वहाँ से नहीं आ रहा कि अगर वो भी हमें उनसे भी हमने बहुत रिक्वेस्ट की जिसने हमारा आईडी हैक किया कि आप हमारा आईडी वापस दे दो, लेकिन वो हमारे अभी कॉल भी कोई रिसीव नहीं, किसी के भी कॉल रिसीव नहीं कर रहा है और हमें आईडी वापस नहीं दे रहा है। तो अभी हमको नए वाले आईडी पे फोकस करना पड़ेगा, और हमारा नए वाले आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में हो, तो आप उधर से हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और हमें ऐसे सपोर्ट करते रहिए। बाय ऑल फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब पे भी 30,000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए, तो थैंक यू ऑल फ्रेंड्स इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तो लव यू ऑल फ्रेंड्स, बाय।